वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे भाई। सो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है जिनवानी से, और आज जो है मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था और बहन की शादी थी मेरी कल, और आज जो है थोड़ा फ्री हुआ तो मैंने चला शूट करते हैं भाई। तो आज एक नई बाइक है अपने पास में, मतलब मेरा भाई लेके आया, उसके बुआ का लड़का है मेरी, वो लेके आया अपनी बाइक भाई। तो बाइक दिखाऊँगा अभी भाई क्या सीन है, और वो बाइक जो है भाई है तो कावासाकी की ही, बट वो भाई बॉम्ब है भाई बॉम्ब। मतलब अभी जो है ना मैं चलाया उसको, वैसे तो रात को चलाया था मैंने, बट इतना ना रात में जगह मिली नहीं ढंग से भगाने की, बट हाँ भाई पावर सुपर है भाई। उसका दूसरा गेट 94 या 95 पे जाके किलोमीटर मारता है, तो सोच सकते हो भाई, और 15,000 आरपीएम तक की जो है उसमें दे रखी है। बाकी अभी चेक करते हैं उसकी पोटेंशियल वगैरह सारी चीज़ चेक करेंगे। तो बाइक तो मैंने वहाँ खड़ी कर रखी है भाई, दिखाता हूँ अभी, अभी बाइक के पास लेके चलता हूँ। बाइक आपको दिखी होगी सामने खड़ी हुई है। तो भाई बाइक तो बॉम्बे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और अभी इसमें मैंने तेल डलवा लिया थोड़ा सा ताकि वीडियो शूट हो जाए अपना भाई, क्योंकि भाई को भी निकलना है, और अभी बच गए होंगे इनके, तो भाई अभी बच गए हैं 30:40, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम हो चुका है। मैं उठा ही लेट था क्योंकि भाई बहन की शादी थी, तो रात भर जो है थोड़ा सा ऐसी रात ही, और अभी जो है फिर मैं सुबह सोया, मतलब मॉर्निंग में सोया था 6-7 बजे के आसपास, तो मैं जो ढंग से उठ नहीं पाया, मतलब लेट ही उठाऊँ अपना 1:30-2 बजे के आसपास उठाऊँ। तो मैंने कहा चलो अब चल लेते हैं वीडियो शूट कर लेते हैं, मम्मी कह रही थी खाना वाना खा के जल्दी, मैंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं आगे खाऊंगा, बट अभी वीडियो शूट करते हैं। तो बाइक ये खड़ी भाई मेरी कावासाकी ड्रीम, और बाइक जो है भाई निंजा 300 है, 300 भाई पता नहीं अभी ये ज़्यादा चली भी नहीं, शायद 5,000 के आसपास ही चली है, पर अभी यहाँ काफ़ी गंदी हो रखी है क्योंकि मेरे घर के बाहर खड़ी थी ना भाई ये अभी, तो वहाँ पर थोड़ा सा ना मतलब धूल मिट्टी ज़्यादा रहती है, ये सीन है, इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है बाइक भाई अपनी। बाकी कोई सीन नहीं है, अभी इसको चलाते हैं, और इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है एकरा पोविच का, अब मुझे ध्यान नहीं है कि ये फुल सिस्टम है या क्या सीन है, बाकी फुल सिस्टम तो नहीं होगा ये होगा, बाकी लेट्स सी। आवाज़ तो काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी, और बहुत ज़्यादा बेसी साउंड है इसका, और बाकी जो भाई ये कावासाकी इतनी स्मूथनेस वाली बाइक बनाती है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। तो आपको इसका साउंड सुनाता हूँ पहले भाई, और एक सेकेंड, ये भाई इसका आइडल पे साउंड है। अब आप मैं आपको कैमरा घुमा के सुना देता हूँ, तो ये देखो भाई बाइक चेक कर लो मेरा एक्स्ट्रा पॉवर का, बहुत ज़्यादा पीछे है भाई, हल्का ही रैक कर रहा हूँ, हल्का सा रैक, और मैं मीटर चलाता हूँ 15,000 RPM, तो ये जो है ना भाई क्रैकल्स भी मारते हैं 20-20 में। अभी इसको डाउनशिफ्ट वगैरह करके भी सुनेंगे डाउनशिफ्ट में कैसी आवाज़ आ रही है, और मैं बोलूँगा नहीं कुछ भाई, आपको सिर्फ जो है प्रॉपर ऑडियो सुनाऊँगा इस बाइक के एग्जॉस्ट की, तो और इसको आप ना मतलब फील करना उस चीज़ को भाई कि इसका साउंड जो है कितना बॉम्ब है भाई। तो अभी इसको रोड पे निकालते हैं और खींचते हैं थोड़ा सा, बाकी इसकी पावर वगैरह सारी चीज़ चेक होगी, बोलूँगा नहीं जैसे मैंने बताया आपको वीडियो के अंदर, मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं भाई, और ड्रिल चैनल ए बी सी इसके अंदर भी आता है भाई, और टायर पे ना मुझे इतना कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा भाई, मैं अभी थोड़ा कॉर्निंग करके देख रहा था ट्राई करके, तो इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया मेरे को, तो इसलिए मैंने जो है करी भी नहीं कॉर्निंग, मैंने कहा चलो छोड़ो भाई, अगर इसमें स्पीड वगैरह मार गई तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी इसमें फ्रेम स्लाइडर लगे हुए हैं भाई, ये आपको दिख रहे हैं, ये बाहर से लगवाए हैं भाई ने भाई, तो ये भी काफ़ी जो अच्छी क्वालिटी के हैं। बाकी चलो अब करते हैं भाई राइड, बाकी जो भी सीन रहेगा अब वो रहेगा सारा कैमरे पर, तो कैमरा हो गया फिट क्या, उम्मीद तो है कि फिट हो गया होगा, और होप करता हूँ कि भाई जो एंगल भी आ रहा होगा, मतलब जो व्यू आ रहा होगा प्रॉपर एक सही रहता है मोटो ब्लॉगर को, वो व्यू भी जो है आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। बाकी इसके जो है मिरर वगैरह ओपन कर लेते हैं, और ताकि पीछे का भी व्यू मिलता रहे हमको भाई, तो मिरर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा
बड़े भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, तो एक डिसेंट से हैं जिससे आपको पीछे का पूरा जो है प्रॉपर व्यू मिल जाएगा, आप इजीली जो है देख सकते हो रोड पे भाई। और व्यू भी जो है मुझे लग रहा है अच्छा ही होगा। बाकी इसमें थोड़ा अभी चलते हैं, और वीली तो ये बहुत इजीली मार देती है भाई, वीली वगैरह में तो कोई ऐसा वो नहीं है सीन। दिखाऊँ आपको पावर, पावर है। और ये आप कुछ करोगे 4900 बाइक चली है, मतलब ये पूरा 5000 भी नहीं चली है प्रॉपर तरीके से, तो बहुत कम ही चली है ये। रोड पे चलते हैं और थोड़ा पावर ठीक करते हैं। देखा भाई पावर कितनी ज़्यादा पावर है इस बाइक के अंदर में, क्यों खड़ी हो गई तुरंत बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा हाइट ली थी इसने। चलो अब वहाँ से
चलो भाई अपनी सीटी ये खड़ी मैंने से खड़ी और मेरी पार्किंग बाकी पापा की बाहर खड़ी है, मैंने मेरे को बाहर खड़ा कर दिया, बाकी केवल हम लोग वेट करते हैं, मिलते हैं आप लोग को सुनने के लिए मैं।